दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है आरसीबी के नए ओपनिंग पेयर को लेकर। इसके बाद ट्रेड विंडो, मुंबई चेन्नई के रिलीज और रिटेन प्लेयर, राजस्थान रॉयल्स और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकलकर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, और मुंबई इंडियंस की टीम ने ये अनाउंस कर दिया कि अब कैरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस का पार्ट नहीं रहेंगे, यानी कि मुंबई की टीम कैरन पोलार्ड को अपने स्क्वाड से रिलीज कर देगी। तो ऐसे में काफी सारे चेन्नई के फैन चाहते हैं कि ऑक्शन में चेन्नई की टीम पोलार्ड को परचेज कर ले। इसके बाद ही इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, और पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट ने काफी बड़ा बयान दिया जहां पर उन्होंने बताया कि शिखर धवन और बेलिस का जोड़ी इस टीम को पहला मेडन आईपीएल टाइटल दिलवा सकता है। यानी कि पीबीकेएस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग धवन की कप्तानी में पंजाब की टीम पहली बार चैंपियन बन सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, और चेन्नई के तरफ से बड़ी अपडेट आई है जहां पर सीएसके मैनेजमेंट ने बता दिया कि रविंद्र जडेजा को रिटेंशन प्रोसेस में चेन्नई की टीम 100% रिटेन करेगी, और इसका खुलासा इनसाइड स्पोर्ट्स ने किया है, यानी कि जडेजा अब चेन्नई की तरफ से ही खेलेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस साल के ऑक्शन में मयंक अग्रवाल के ऊपर बोली लगाएगी, क्योंकि कोलकाता के पास इंडियन ओपनर की कमी है, जहां पर अजिंक्य रहाणे, सैम बिलिंग्स और वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर एज ए ओपनर पूरी तरीके से फ्लॉप थे। तो इनके भरपाई के लिए कोलकाता की टीम ऑक्शन में मयंक अग्रवाल के ऊपर बोली लगाएगी, और ये प्लेयर लॉन्ग टर्म में केकेआर का बेहतरीन ओपनर साबित हो सकता है। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के लिए राजस्थान रॉयल्स के ऑक्शन स्ट्रेटजी को लेकर। तो इस साल के ऑक्शन में राजस्थान की टीम मोस्ट प्रोबेबली ऑलराउंडर्स को टारगेट करेगी, क्योंकि राजस्थान अपने स्क्वाड से राशि वंडरसन, जिमी निसम और डेरी मिचेल को रिलीज करेगी। तो इनके भरपाई के लिए इस साल के ऑक्शन में राजस्थान की टीम बेन स्टोक्स, सैम करन, कैमरन ग्रीन में से किसी एक प्लेयर को जरूर परचेज करेगी, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में पैट कमिंस को ये टीम खरीदेगी, और हो सकता है कि हाईली चांस है कि बेन स्टोक्स को ये टीम ऑक्शन में 100% परचेज करने का प्रयास करेगी, क्योंकि बेन स्टोक्स पहले भी राजस्थान के लिए तगड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं। तो आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की टीम को ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स को खरीदना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सी टीम का ऑक्शन स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं, जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक से अधिक कमेंट आएगा उस टीम का ऑक्शन स्ट्रेटजी हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो को लेकर। तो लगातार काफी सारे प्लेयर्स अलग अलग टीमों में ट्रेड होते हुए जा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले जेसन बेहरेनड्रॉफ को मुंबई इंडियंस की टीम में ट्रेड कर दिया गया। और पहले जेसन बेहरेनड्रॉफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में थे, लेकिन अब वो ट्रेड हो करके ऑफिशियली मुंबई इंडियंस की टीम में जा चुके हैं, जहां पर 75 लाख की रकम में बेहरेनड्रॉफ मुंबई इंडियंस की टीम में आए हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है लॉकी फर्ग्यूसन का, और फर्ग्यूसन गुजरात टाइटन्स के फास्ट बॉलर थे, लेकिन गुजरात ने अपने स्क्वाड से फर्ग्यूसन को ट्रेड करके कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में भेज दिया, और 10 करोड़ की रकम में कोलकाता की टीम ने फर्ग्यूसन को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। वही इस लिस्ट के तीसरे अंतिम प्लेयर है रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि गुजरात टाइटन्स के ओपनर थे, लेकिन अब गुरबाज यहां पर ट्रेड होकर के कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ट्रेड विंडो में अभी तक गुरबाज, इसके बाद फर्ग्यूसन और बेहतर
दिन ड्रॉप ट्रेड हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी कई सारे प्लेयर ट्रेड होंगे। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए ओपनिंग पेयर को लेकर। तो इस साल के ऑक्शन में आरसीबी की टीम एलेक्स हिल्स के ऊपर बोली लगाएगी, क्योंकि पावर प्ले में एलेक्स हिल्स काफी तगड़ा बल्लेबाजी करते हैं। तो इस वजह से आरसीबी एलेक्स हिल्स को ऑक्शन में परचेज करके लॉन्ग टर्म के लिए अपना ओपनर बना सकती है और हो सकता है कि फाफ डू प्लेसिस के साथ एलेक्स हिल्स ओपन करते हुए नजर आ जाए। तो आपके हिसाब से ऑक्शन में क्या आरसीबी टीम को एलेक्स हिल्स को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के धाकर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड की तरफ से, और उन्होंने विजय हजारे के पिछले 6 इनिंग में 5 बार शतक लगाया, यानी कि विजय हजारे क्रिकेट में उन्होंने खेले गए पिछले 6 इनिंग में से 5 बार शतक लगाया और काफी लंबा लंबा स्कोर करते हुए गायकवाड नजर आ रहे हैं और काफी हाईली चांस है कि ऋतुराज गायकवाड को यहां पर जल्द ही टीम इंडिया में मौका मिलेगा और प्लेइंग 11 में भी मौका दिया जाएगा। और वैसे तो चेन्नई की टीम इस प्लेयर को 100% रिटेन करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। तो T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन इंग्लैंड की टीम बन चुकी है, जहां पर फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन चुकी है। इसके बाद इस लिस्ट की दसवीं अंतिम अपडेट है इंडिया न्यूजीलैंड के सीरीज को लेकर। तो भारत न्यूजीलैंड के सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या अपनी टीम के साथ न्यूजीलैंड रवाना हो चुके हैं और पांड्या के नेतृत्व में टीम इंडिया 3 वनडे 3 T20 मैच खेलेगी, जहां पर T20 मैचों में पांड्या कप्तानी करेंगे और 18 नवंबर को पहला T20 दोपहर 12 बजे से वेलिंगटन में खेला जाएगा। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।